Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the fourth episode of Easy DIY series and in today's video we are going to decorate this juice bottle जो usually हम use करने के बाद फेंक देते हैं but हम नहीं फेंकने वाले. इस बार हम उसको clean करेंगे और उसको अच्छे से decorate करेंगे. तो सबसे पहले क्लीन करने के बाद मैं वाइट एक्रेलिक कलर दे रही हूँ. वाइट एक्रेलिक कलर आप फैब्रिक का कंपनी का यूज़ कर सकते हो या फिर फेविक्रिल का जो आता है छोटी बॉटल 20 रुपीज़ की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. फिर उसको मैं ड्राई होने दूंगी और उसके बाद हम ये डेकोपाज नैपकिन यूज़ करने वाले हैं. इसमें से ये वाला जो पोर्शन है हम उतना ही यूज़ करेंगे. तो पहले हम उसको कट कर देंगे. इस तरह से आप उसको कट कर सकते हो. अब यहाँ पे मुझे शार्प एजेस नहीं चाहिए इसलिए मैं ऐसे कट कर रही हूँ, बट अगर आपको शार्प एजेस चाहिए होंगे किसी और प्रोजेक्ट के लिए तो आप सीधा उसको सीजर से भी कट कर सकते हो. तो यहाँ पे जैसे कि मैं कट कर रही हूँ, अगर आपको ये थोड़ा हार्ड जाता है तो जहाँ भी आपको कट करना है वहाँ पर आप थोड़ा सा अगर पानी लगा दोगे ब्रश से तो आप ईजीली उसको कट कर पाओगे. अब इसके बाद उसके पीछे जो लेयर्स रहती है, दो लेयर्स होती है, वो दो लेयर्स हम निकाल देंगे. अब हमारा जो वाइट कलर है वो ड्राई हो चुका है. ड्राई करने के लिए कम से कम 6 to 8 hours उसको आप साइड में रख दो. एक या दो कोट भी आप दे सकते हो अच्छे फिनिशिंग के लिए. अब इसके बाद ये डेको मैजिक ग्लू हम यूज़ करने वाले हैं. डेकोपाज ग्लू मतलब जो इट्सी बिट्सी का है वो डेको मैजिक ग्लू है. आप डेकोपाज ग्लू भी यूज़ कर सकते हो जो फेविक्रिल का आता है मोडपॉच. तो बेसिकली आप डेकोपाज के लिए कोई भी डेकोपाज ग्लू यूज़ कर सकते हो. इसके लिए आप फ्लैट ब्रश ले लो और फ्लैट ब्रश से जिस एरिया में आपको वो इमेज पेस्ट करनी है उतने ही एरिया में आप पहले उस डेकोपाज ग्लू को लगा दो. और उसके बाद ये डेको पाज नैपकिन जो है वो हम इस तरह से उसको स्टिक कर देंगे. और ये बहुत डेलिकेट होता है, टिश्यू जैसा होता है, इसलिए एकदम हल्के हाथों से उसको आप हैंडल करो. थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर देते हो तो डिज़ाइन फट सकती है. फिर हम जो एजेस है वो डिज़ाइन के वो पहले सील कर देंगे. और उसके बाद हम और एक लेयर डेकोपाज ग्लू की उस डिज़ाइन के ऊपर देंगे. ये जो DIY है वो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है. तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो डेकोपाज टेक्निक तो आप इजीली कर सकते हो. इवन ये सेम प्रोसीजर आप मेटल पे भी यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक पे भी यूज़ कर सकते हो. आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक बॉटल्स है तो आप वो भी यूज़ कर लो. अब हम इसको ड्राई होने देंगे. ड्राई वो 30 मिनट्स में ड्राई हो जाता है अच्छे से. उसके बाद हम ये वार्निश यूज़ करेंगे. मैट फिनिश का वार्निश इस पर अच्छा दिखेगा. इवन अगर आपको ग्लॉसी फिनिश अच्छी लगती है तो आप ग्लॉस के लिए भी जा सकते हो. सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडेज सुपर डुपर ईजी DIY. सो गाइज, आपको ये वाला ईजी DIY कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. प्लस ट्राई करो और आपके क्रिएशंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे. सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.